महात्मा गांधी नेशनल गारंटी योजना के तहत समुदाय में बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने की बात की जाती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और समुदाय के सहयोग से मैंने इस वीडियो को ब्लॉग पर जाकर मैंने इस वीडियो को उनको दिखाया। वह उनके सहयोग से ब्लॉग के द्वारा समुदाय में गांव में एक सोशल ऑडिट किया गया और जिनका जिनका भी जॉब कार्ड नहीं बना था उनका 15 नवंबर 2013 को जॉब कार्ड बना और अब वे काम कर रहे हैं। मनरेगा जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है यह एकदम विफल हो रही है। इसके सबसे प्रभावित गांव है जारा और जहां की सबसे प्रभावित व्यक्ति हैं चंदा देवी, जिन्होंने 100 दिन के रोजगार में 40 दिन तक काम किया, उनको एक भी पैसा नहीं मिला। जहां पे काम नहीं भी हुआ है उनको बेरोजगारी भत्ता से भी नहीं जोड़ा गया। हम जारा रही नरेगा में हम काम करी ले, पानी पियाई ले, रोज काम पे जाती हैं? हाँ, जब चलो ना करो तो रोज कार पे जाई ले। एक दिन में आपको कितना पैसा मिलता है? बस जैसे 100 मिलत रहे तो 120 कह ले। काम नहीं मिलता रहे हमन के, मन बैठा लाल गए तो रोजगारी भत्ता तो नहीं मिलत रहे। अब मिला था काम भी मिला था हमन के, अब का कहना पत्रकार जब से मनो बना के वीडियो ले गए हैं तब से का कहला हमन के मनो काम सबसे बरोबर से तनी यह मिले लागल है। मैं महेंद्र प्रसाद ग्राम जारा के निवासी हैं। मैं नरेगा के माध्यम से मजदूरों से काम करवाता हूं। हमारी कुछ समस्याएं पहले थी, वह समस्या का निवारण हो गया है और वीडियो वॉलंटियर ने हम लोगों का बहुत मदद किया और किस तरह काम मिलता है उसके विषय में बताए। कुछ समस्या हमारी पैसा भुगतान में कमी थी उसके लिए जानकारी दिए और उसके विषय में भी बताए, कैसे कैसे जॉब कार्ड मिलता है, कैसे काम मिलता है इसके विषय में भी बताए। मैं विकास खंड गौतलवा जनपद महाराज की त्रिवेदी हूँ। वीडियो वॉलंटियर साइट्स को हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, उसमें जो भी समस्याएं उठाई जाती हैं उनको सॉल्व करने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी इसको बराबर देख करके उनकी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे। खंड विकास अधिकारी श्रीमती मंजू देवी ने जब मेरा वीडियो देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो लोग भी काम के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं। उन्होंने वीडियो वॉलंटियर को काफ़ी धन्यवाद भी दिया। मुझे खुशी हुई कि मेरे इस वीडियो से समुदाय में बदलाव आया। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।